हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल एक आलू की सैंडविच की रेसिपी, जिसे हम घर में लगातार बनाते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आलू का मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है 2 चम्मच, 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता को मैंने एक साथ ही चॉपर में चॉप कर लिया है, इजी तरीके से बनाने के लिए। आप अलग से भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन कद्दूकस की भी लिए है। मीडियम टू हाई हीट पर अदरक लहसुन को मैं कच्चा फ्लेवर चले जाने तक और हल्की सी ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता ऐड कर दिए है। मीडियम टू हाई हीट पर इन्हें ब्राउन हो जाने तक और मैश हो जाने तक हम पका लेंगे। इनमें रेगुलर जो मसाले होते हैं उसे ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और जीरे का पाउडर। हल्का सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है, आधा चम्मच के करीब। पहले तो इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस समय आप लो पर रखिएगा, नहीं तो आपके जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड किया है, जिससे टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ गरम मसाले से भी अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और धनिया पत्ता के हमें जो मसाला है उसे बनाने के बाद हम इसमें बॉईल की हुई आलू को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू को बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं, जिससे कि इनमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है। तो लो मीडियम हीट पर इसे हम भूनेंगे अब 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से मसाला जो है ना वो आलू के साथ मिक्स हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। पूरे पेस्ट की तरह बन जाएंगे पूरे, उतने तक हमें भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम हीट पर। हाई फ्लेम पर ना करें, नहीं तो आपके जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो सैंडविच की हमारी सिंपल स्टफिंग बन चुकी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, इसी से ही आप आलू पराठा बना सकते हैं। ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं, जिनको मैं हल्का सा तवा पर सेक लूँगी, हल्की सी स्पॉट्स आ जाने तक, कुछ सेकंड्स के लिए बस। पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। अब ब्रेड की एक साइड में मैं आलू का जो स्टफिंग है उसे लगा लूँगी स्पैचुला से। अगर आपके पास चीज़ है या फिर चटनी, केचप आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगा दीजिए। इस समय मैंने सिर्फ आलू ही लगा लिया है। जिस तरीके की हम ब्रेड पकौड़ी की जो पकौड़ा है बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आप बटर या फिर ग्रेवी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने तेल दिए तवा पर, तेल को गर्म होने देंगे और लो मीडियम हीट पर इन्हें दोनों तरफ से हल्की सी ब्राउन हो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप अगर दोनों ब्रेड नहीं लेकर इस तरीके से सिर्फ एक ब्रेड के ऊपर आलू का स्टफिंग लगाकर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। आलू की जो स्टफिंग है वो ब्रेड में इस तरीके से लग जाता है, जिससे कि ये बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। दोनों तरफ से हल्की सी ब्राउन हो जाने तक बस फ्राई कर लेंगे हल्का सा तेल देकर। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत ही सिंपल एक पोटैटो सैंडविच, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए।